बिहार के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक मांगा है। उन्होंने आरा के फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी लगाई है। फैमिली कोर्ट में सुनवाई के लिए उनकी पत्नी पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंच पाए। फिलहाल कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 26 मई की दी है। वहीं अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर क्यों पवन सिंह अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह की दूसरी शादी है, जबकि पहली पत्नी का देहांत हो चुका है, जिसके बाद पवन ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले राम बाबू सिंह की पुत्री ज्योति सिंह के साथ 7 मार्च 2018 में बलिया के शंकर होटल में शादी की थी। वहीं सूत्रों की माने तो पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति का किसी और के साथ अफेयर होने का आरोप लगाया है। तो वहीं ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने मीडिया को बताया कि पवन ने ज्योति सिंह को दो बार गर्भपात करवाया है। शादी के बाद पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ मारपीट के साथ ही हमेशा उन्हें प्रताड़ित और अत्याचार करते थे। शादी के बाद ही हमेशा गाली गलौज करते थे। जिन्होंने बताया कि पवन सिंह ने आरा कुटुंब न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है। वहीं उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने गुरुवार को आरा कुटुंब न्यायालय में पहुंचकर अंतरिम भरण पोषण के लिए न्यायालय से भी मांग की है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह पिछले कई महीनों से अपने मायके में रह रही हैं। ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के ऊपर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है। इस मामले को लेकर पवन सिंह की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।